क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन था? तो कलर प्लेट कौन सा होता है, कलर पैलेट, इसमें बता सकते हो कुछ इसके बारे में? आपने फाइव क्लास में पढ़ चुके हैं इस चीज को, कलर पैलेट होता क्या है? बाल के राइट साइड में बहुत सारे कलर बॉक्स बने हुए होते हैं। नहीं सर, इसमें डबल डबल विंडो ना, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि राइट साइड ही हो। तो इसमें बॉक्स टून बॉक्स में बहुत सारे कलर्स आपको बॉक्स में बनने में दिखाई देंगे, अलग अलग तरह के कलर्स होंगे, उनमें से हम जो कलर्स भरना चाहते हैं या ड्रा करना चाहते हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम पैलेट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबके आपके? बहुत अच्छा आंसर है, क्लैप तो बनता है ना इनके लिए, अच्छा आंसर है। नेक्स्ट प्ले कीजिए। कलर लिख वन से आप आउटलाइन का कलर बदलने के लिए करते हैं, क्या आप बता सकते? आउटलाइन जानते हो क्या होता है? हां सर आप बताओ आउटलाइन क्या होता है? हां सर जोर से बोलो सभी सुनिए, ठीक है? आप बोलोगे तो फिर क्या है, तो सभी सुन रहे, पूरी क्लास को भी मैंने क्वेश्चन पूछा भाई, आपने आंसर बताया तो पूरी क्लास को बताना चाहिए भाई कि आंसर सर ने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर क्या बताया इन्होंने, तो सबको बताना चाहिए कि आंसर क्या दिया है। ठीक है, तो थोड़ा जोर से बोलना हमको। क्वेश्चन पढ़िए सर, क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, थिंकनेस ऑफ द लाइन, आप बताओ। बताइए सर, सर कोई नहीं बताइए आप। सर आप पता है आपको 5 क्लास में आप पढ़ चुके हो, 4th में आपके सामने साइज लिखा है ना सर, साइज को देखिए, साइज को लाइन के साइज नो की करने, ये है आपका, क्या करते हैं आप इससे, जैसे यार आप बताइए, ठीक है सर, समझ में आ गया थिंकनेस ऑफ लाइन क्या होता है, तो सर आप बताओ फिर क्या होता है? थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में, भाई आपने अभी बनाई है। अगर ये सर मैं कहूँ अगर वो जवाब नहीं दे रहा, हाँ तो सर आप ऑप्शन दूसरे पे ठीक है, सर उन्हें इंग्लिश कम समझ आती। कोई नहीं सर, मैं नहीं, वो क्या थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, नहीं इंग्लिश समझ में नहीं आती इंग्लिश, थिकनेस के थिकनेस क्या नहीं पता। लाइन के साइज को हम बड़ा छोटा हाँ, कर ठीक है, इनको पता है इसमें, समझ में आ गया? जैसे हम मान लो कोई आकृति बनाना चाहते हैं तो उसका जो बॉर्डर होता है सीमा, तो लाइन होती है उसके चारों तरफ, वो हमको एडजस्ट करना भाई उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, ठीक है? या हम ड्राइंग करने ड्राइंग का आधार देखेंगे यदि लाइन इसकी मोटी है या पतली है, उसके आधार पर हम थिकनेस ऑफ लाइन पे जाएंगे, उसके आधार पे हम फिर उस लाइन को हम चॉइस करेंगे कि हम कौन सी लाइन चाहिए, मोटी चाहिए पतली, ठीक है? तो हम उसको सेलेक्ट करके फिर हम इसको यूज यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया सब, आ गया समझ में? ठीक है, थिकनेस ऑफ द लाइन का उपयोग क्यों करते हैं? थिकनेस ऑफ द लाइन से आप लाइन के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और MS Paint की फाइल को ओपन करें। हाँ सर, MS Paint निकाल लिया सबने, स्टार्ट कर ले कंप्यूटर सबने, ठीक है बात हम क्या चलो, क्या आप जानते हैं कि MS Paint की फाइल को कैसे ओपन करते हैं?
अगर MS Paint की फाइल को ओपन आप बताएं MS Paint की फाइल कैसे खोलेंगे कंप्यूटर अंदर? पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और जोर से लाउडली ठीक है कोई नहीं आप यहां पर कोई भी तुम लोग से बोल फिर और प्रोग्राम पे जाएंगे फिर हेलो क्लिक करके ध्यान ठीक है क्लिक करके एसोसिएट यदि रुको यदि MS Windows 7 में स्टार्ट बटन नहीं हुआ तो क्या करोगे स्टार्ट लिखा हुआ होता है कई जो XP विंडो होते हैं ठीक है उसमें तो स्टार्ट लिखा हुआ होता है और 7 विंडो वाले कंप्यूटर उसमें स्टार्ट नहीं लिखा हुआ तो उसमें हम स्टार्ट को कैसे समझेंगे कि ये स्टार्ट वाला बटन है क्या है उसको क्या बोलेंगे सर टास्क बार के नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे एक सर्कल बना होगा उसमें विंडो के तो सर उसको क्या बोलेंगे सर पे स्टार्ट बटन क्या है आया समझ में सैनी क्वेश्चन हां बोलो सर हमें जैसे MS Paint खोलने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है स्टार्ट पे जाओ एक्सेसरीज ऑल प्रोग्राम कोई आसान तरीका नहीं है कि हम एक डबल क्लिक से ही पेंट को खोल लें सर शॉर्ट की यूज करके आप कर सकते हो पहले शॉर्ट की के बिना शॉर्ट की बिना रन कमांड से वास्ते आप रन कमांड के बिना रन कमांड शॉर्ट की डेस्कटॉप पे उसका डेस्कटॉप पे शॉर्ट की बिना बोला ना डेस्कटॉप पे शॉर्ट की सर तीन यूज मोड तो सर फिर ठीक है स्टार्ट बटन को हम विंडो बटन भी कह सकते हैं आपके कीबोर्ड में विंडो बटन होता है देखिए व्हाइट कलर का बना होगा इस टाइप का इसमें चार बॉक्सेस ये वाला विंडो स्टार्ट होता है ऐसा ही सेम यहाँ पे होता है आपका विंडो XP विंडो 7 में ठीक है इसको हम विंडो बटन भी कहते हैं आप इसको प्रेस कीजिएगा ना तो हमें अपने माउस को लेके यहाँ पे आके क्लिक करने की जरूरत नहीं है इसको प्रेस करेंगे वो बॉक्स ओपन हो जाएगा इसको फिर इस पे क्लिक कर देंगे ओपन हो जाएगा ठीक है कोई समस्या हो तो आप वीडियो के द्वारा MS Paint की फाइल को ओपन करना सीखें सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को पेंट फाइल थोड़ा सा आगे कीजिए 2 मिनट क्योंकि सब लोग जानते हैं पेंट की फाइल को कैसे स्टार्ट बटन इसको चलाने की जरूरत नहीं 2 मिनट में आप जो सीखेंगे वह कुछ इस प्रकार से है आज की कक्षा में इसमें तो बता सकते हो फर्स्ट कलर सेकंड कलर में क्या अंतर है मतलब कैसे बॉक्स यूज करेंगे हम कैसे क्या करेंगे हम तो फर्स्ट कलर का यूज कैसे करेंगे हम आप बताओ सर फर्स्ट कलर का हम यूज कोई भी लाइन के बॉर्डर पे ले आउटलाइन के लिए हां सर आप बताओ सेकंड कलर का चित्र ये जो चित्र बनेगा ना इसके अंदर कलर फिल करना हो तो इसका यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे हमको अंदर भरना है इसका यूज कर रहे हैं आप लाइट खींच रहे हैं तो और इसका यूज करेंगे एक बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर कलर करने के लिए ठीक है हम भी वो कर लेंगे उनको आता है बस वो क्या है सर है उनके साथ अच्छा आप ले करो पेंट टूल की मदद से अल्फाबेट बनाएंगे उसके बाद ये चीज जब आएगा ना आपके स्क्रीन पे जब हम कहेंगे कि आज की कक्षा में क्या सीखेंगे आपको यहाँ वीडियो नहीं रोकने की जरूरत है इसको पूरा चलने दीजिए जहाँ लास्ट पॉइंट आ रहा है कि आज की कक्षा में हम ये भी सीखेंगे वहाँ वीडियो रोकना है और पूछना है आज हम क्या क्या सीखेंगे फिर उनका क्या होगा जो क्लास में एक्टिव होंगे वो आंसर करेंगे जो नहीं होंगे वो आंसर नहीं करेंगे उनको समझाना है कि क्लास में रहो बाहर नहीं पता चल जाता है कि जो क्लास में है या नहीं ये पूरा चलने दीजिए ठीक है तब रोकना है तभी फिलिंग विद कलर क्या होता है यह सीखेंगे उसके बाद फिलिंग विद कलर का उपयोग करते हुए कुछ ड्राइंग बनाएंगे जैसे कि ट्रायंगल रंगोली और घर
दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या इन अल्फाबेट्स को लाइन टूल की मदद से बना लेंगे। पूछिए कैसे। तो मुझे बताओ, ये कुछ एबीसीडी दे रखी है, ठीक है, अल्फाबेट वाली। तो हम इन एबीसीडियों को हम कैसे बनाएंगे, किस द्वारा बनाएंगे, कौन सा ऐसा यूज करेंगे हम? कीबोर्ड से। कीबोर्ड नहीं, डायरेक्ट करना हमको ऐसे इसमें। कीबोर्ड तो अच्छे हो गए, पूरा होने को पूरा ही होगा वो तो भाई, कीबोर्ड द्वारा कंट्रोल होता है पूरा ये। क्वेश्चन सबको समझ में आया है? यस सर। कीबोर्ड से बजा कर हम ये कहीं से लाइन शेप में जाएंगे, लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं वो तो, लाइन शेप में जाएंगे और फिर लाइन चूज करेंगे, फिर कलर वन में जाएंगे और फिर कलर चूज करेंगे, फिर हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, दोनों लोगों ने अच्छा बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाबेट लिखे लाइन टूल की मदद से। ये जो अल्फाबेट है किस कौन से टूल